वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज सायमा, क्लास 4 नाउ गेट रेडी फॉर चैप्टर 2 एंड लेक्चर 6। ये चैप्टर 2 का आपका लास्ट लेक्चर है। इस टॉपिक है आपका सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम करवाई थी, बाकी ये रह गई थी। तो आज वो सारी जो है हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बेकर पैक सम फ्रूट टार्ट्स एंड एग टार्ट्स इनटू बॉक्सेस। 1344 फ्रूट टार्ट्स वर पैक इनटू 6 बॉक्सेस। 1280 एग्स टार्ट वर पैक इनटू बॉक्सेस ऑफ 5। ठीक है, फ्रूट टार्ट्स के जो हैं कितने पैक किए हैं बेकर्स ने? 6 बॉक्सेस किए हैं। और एग टार्ट्स के कितने किए हैं? 5 बॉक्सेस पैक किए। अब है, हाउ मैनी बॉक्सेज ऑफ टार्ट डिड द बेकर पैक ऑल टुगेदर। अब इन्होंने कहा है कि बेकर ने कितने टोटल जो हैं बॉक्सेस पैक किए। तो सॉल्यूशन है आपका 1344 फ्रूट पैक इनटू 6 बॉक्सेस। अगर ये हमसे कहते हैं कि 1 बॉक्सेस का हमें बताइए, तो हम फिर डिवाइड करते हैं। लेकिन इन्होंने ओवरऑल बॉक्सेस का पूछा है, तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, 6 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 6 4 जा 24, 4 इधर आया, 2 कैरी गया। 6 4 जा फिर अगेन 24, 24 में 2 प्लस किया, 26 हो गया। 6 इधर आया, 2 इधर गया। अब है, 6 3 जा 18, 18 में 2 प्लस किया, 20, 0 इधर आया, 2 कैरी गया। 6 1 जा 6 और 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो उसने फ्रूट्स टार्ट के कितने बॉक्सेस 6 में कितने पैक किए थे? 8064 रुपीस। ठीक है, अब जो है आगे है इसका सेकंड पार्ट, 1280 फ्रूट्स पैक इनटू 8 बॉक्सेस। तो अब 8 बॉक्सेस में देखते हैं कितने हैं। तो 800, 88 जा 64, 4 इधर आया, 6 कैरी गए। 82 जा 16, 16 में आप 6 प्लस करेंगे तो 22, 22 का 2 इधर आया, 2 कैरी गया। तो 81 जा 8, 8 में 2 प्लस किया तो 10। तो 10,240 जो थे वो एक्स के उसने पैक किए थे। अब है, द बेकर पैक टार्ट्स ऑल टुगेदर। अब टोटल भी हमें बताना है कि उसने कितने टार्ट्स पैक किए थे। तो हम इन दोनों को टोटल कर लेंगे, जो पहले फ्रूट टार्ट आए थे और एग टार्ट्स आए थे। अब है 18,300। ठीक है, टोटल यानी ऑल टुगेदर भी हमें बताना था, तो हमने इसमें प्लस कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप फर्नीचर शॉप ऑनर अबाउट 236 चेयर एंड 8 टेबल फॉर इतने रुपीज़ की, 9,548। ओनर ने जो है अबाउट ख़रीदी है 8 टेबल्स इतने की और 236 चेयर। ईच चेयर कॉस्ट डॉलर में इन्होंने ख़रीदा है, तो 25 की एक चेयर है। हाउ मच डिड ईच टेबल कॉस्ट? अच्छा, देखें टोटल पहले इन्होंने हमें बता दी कि टेबल और चेयर इतने की ख़रीदी है, फिर चेयर की कॉस्ट मतलब बता दी कि एक चेयर जो है वो इतने की है, लेकिन टेबल की एक की कॉस्ट नहीं बताई। तो पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि पहले हम टेबल टोटल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लेस या जो भी करेंगे देखते हैं। एज चेयर आर 25 रुपीज़ देन मल्टीप्लाई, यानी एक चेयर को हम टोटल से पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल चेयर्स हमारे पास कितनी हैं। तो 200 टोटल चेयर्स हमारे पास थी 236, उसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 5,900। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल टेबल, टेबल की टोटल कॉस्ट कितनी थी वो मालूम हमें पहले करना है। तो उसके लिए हम टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ चेयर से। अब टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? ये थी 9,584 को माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ चेयर से। कॉस्ट ऑफ चेयर हमारे पास ये आ गई कितने की थी, हमने इसको माइनस किया तो इसका आंसर आया 3,948। अब टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल जो है हमें, अब हमें 1 की टेबल की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो पहले हमने इसलिए सारी चीज़ें की हैं कि हमें टेबल की कॉस्ट नहीं पता थी। अब टोटल टेबल कॉस्ट हमारे पास आ गई 3,948। अब कितनी टेबल्स थी? 8 टेबल्स थी और हमें 1 को मालूम करना है, तो हम डिवाइड करेंगे 8 से, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 टेबल 493.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट है होमवर्क। होमवर्क में मैंने स्लाइड में लिखा है, डू ऑल क्वेश्चन इन कॉपी। ये वाले जो तमाम क्वेश्चंस थे वर्ड प्रॉब्लम के, क्योंकि बुक में इतना स्पेस नहीं है कि आप उसमें अटेम्प्ट करें, तो ये कॉपी में कीजिएगा। इससे पहले उसका टाइटल पेज बनाइएगा इस चैप्टर का, ठीक है, और उसमें सारा काम डन कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम।